पंडित खुशीलाल शर्मा शासकीय आयुर्वेदिक संस्थान के नजदीक संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल 2018 में मुख्यमंत्री द्वारा कैबिनेट से एक आदेश पारित हुआ था, जिसके अनुसार समकक्ष नियमित पदों के वेतनमान का 90% वेतनमान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के समस्त संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को देने का आदेश दिया गया था, लेकिन एनएचएम को छोड़कर बाकी सभी विभागों में यह आदेश लागू कर दिया गया। एनएचएम के कर्मचारी अमिताभ चौबे ने बताया कि 2013 से लगातार एनएचएम के 19,000 कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी मांगें पूरी नहीं की गई हैं। मांग को लेकर जब हमने 42 दिन की हड़ताल 2018 में की थी, तब कैबिनेट द्वारा हड़ताल के बाद 5 जून 2018 को एक नीति पारित की गई थी, जिसमें संविदा कर्मचारियों को बहुत सारी सुविधाएं दी गई थी और उसमें 90% वेतन भी नियमित कर्मचारियों के अनुरूप हम लोगों को देने की घोषणा हुई थी। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि 13 विभागों को ये आदेश जारी हो गए हैं, लेकिन सिर्फ एनएचएम के कर्मचारी, जिनके आंदोलन के कारण ये नीति लागू हुई थी, उस नीति पर आज दिनांक तक हम लोगों को लाभान्वित नहीं किया गया। शीघ्र ही अग्रिम डेट जो है इसकी बैठक के पश्चात घोषित कर देंगे और समस्त प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं ठप हो जाएंगी, जिसके लिए शासन एवं प्रशासन जिम्मेदार होगा।